नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनमें कानून नाम का कोई डर ही नहीं, या हमारा कानून इतना कमजोर हो गया है कि बदमाश सरेआम किसी की हत्या कर आराम से वहां से फरार हो जाते हैं? अगर ऐसा ही हाल रहा तो लोगों का कानून से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसी एक बड़ी खबर इंद्री से हमारे सामने आ रही है, जहां पर इंद्री में तहसील के गेट के बाहर युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मोरागढ़ निवासी मृतक शुभम की आयु करीब 25 वर्ष थी। दोपहर करीब 12 बजे कुछ युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद विक्रांत के अनुसार हमलावरों की संख्या 7 से 8 थी। शुभम का गढ़ी गुजरान के कुछ युवकों के साथ झगड़ा चल रहा था। मामला इंद्री कोर्ट में विचारधारीन था। वीरवार को कोर्ट में इसकी तारीख थी। कोर्ट में पेश होने से पहले दोनों पार्टी समझौता के लिए बातचीत करने लगे। तहसील के गेट के बाहर मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों ने शुभम पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। शुभम के परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गए। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। विक्रांत जी, आज क्या बात हुई है? हम तहसील में ना अपनी तारीख लाने गए थे कोर्ट में, तो मैं तो उन्होंने कहा कि हमें बात करनी है, तो हमें बाहर ले गए अपने साथ 3 जने को। तो 7-8 जने लेके शुभम पे हमला कर दिया चक्कू से। 3 जनों ने चक्कू मारे, 4-5 जनों ने पकड़ के रखे, तो इसका ज़्यादा यहाँ चक्कू मारा, सिर में मारे, यहाँ पे मारा, तो सिर्फ इसको यहाँ से। तो कितने आदमी थे टोटली? मैं 8-9 आदमी थे। अच्छा, तो किस केस किस चीज़ का था अपना? लड़ाई झगड़ा का छोटा मोटा केस था। तो कब हुआ था केस ये? ये तो 1 साल पहले हुआ था। अच्छा अच्छा, आज उसकी गवाही थी तो मैं अपने गवाही पे आ गया। तो जानते हो इन आदमियों की? कौन कौन? किन आदमियों को जानते हैं? क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम है सन्नी बड़ी गुजरान, सन्नी चहल बड़ी गुजरान से है जो। एक सुमित कलसोरे से है। अच्छा। एक मिता अमित जो बड़ी गुजरान से है, उसके साथ 5-6 अन्य। अच्छा जी, आज क्या बात हुई? ये भाई अपना तारीख पे जा रहता है यहाँ तहसील इंद्री में। अच्छा। और उनकी भी तारीख की जो वारदात करने वाले हैं, तो उन्होंने इसको साइड में लेके गए समझौते की बात करने के लिए कि भाई चलो समझौता कर लेंगे, कुछ लेके गए और वहाँ लेके जाने के बाद इसके ऊपर चाकू के साथ हमला करते हैं। अच्छा, तो इंद्री कोर्ट में गए थे? हाँ जी, इंद्री कोर्ट में। अच्छा, इंद्री कोर्ट के मेन गेट की जहाँ रस्सी बनती है, अंदर एंट्री होती है, वहीं की बात है। तो सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था वहाँ पे? बस कुछ नहीं, उसके साथ वाले जो उनसे एक दो थे वो भाग गए, तब जाके वो भाग गए अपनी एक बाइक छोड़ के। क्या नाम है इनका? शुभम। अच्छा, कितनी उम्र है? 25 साल। कहाँ का रहने वाले हैं? क्या काम करता था ये? उधर यमुनानगर साइड की प्राइवेट जॉब कर रहा था। इंद्री में एक मुकदमे की ट्रायल के दौरान लोग अपनी गवाही पे उस पर आ रहे थे, एक्यूज जो थे वो पीसी पे आए हुए थे, बेल पर थे, तो वहाँ कोर्ट के बाहर ही उनकी कोई बातचीत हुई थी कॉम्प्रोमाइज़ की, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात तो सिरे चढ़ी नहीं, लेकिन उनका आपस में झगड़ा हो गया और जो शुभम लड़का है मुरादगढ़ का, उसको चाकू मार दिया मोदी पक्ष के लोगों ने। वो उसमें गढ़ी गुजरान के लड़के हैं संदीप चहल वगैरह, अभी कंप्लेंट दे रहे हैं उनको, FIR दर्ज करके कहा है। तो क्या डेथ हो गई जिससे? हाँ, उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में लेके थे तो डेथ। तो क्या कार्रवाई की? बस FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम कराते हैं उसका पहले, और फिर किसी गिरफ्तार करें। तो पहले किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? पहला झगड़ा तो पुराना झगड़ा था जिसकी कोर्ट में ट्रायल चल रही थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।